नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। अरे नहीं है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए होते तो अपनी सयानी लड़की को इतने सालों तक घर में बिठा के नहीं रखते। हाँ कर रहे हैं कोशिश। हमारी बेटी का आपके बेटे के साथ ब्याह भगवान ने ही लिखा है ना, तो रास्ता भी वही ढूंढ कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है जी। हाँ करते हैं कोशिश। हाँ करते हैं सर जी। जय राम जी की। क्या कह रहे हैं माँ? मांग रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ घर में तो 10,000 भी नहीं है देने के लिए, 10 लाख कहाँ से दोगी? आप ऐसी जगह मयूरी दीदी का रिश्ता भेजती क्यों जो ऐसा दहेज मांगते हो? तो क्या करें, बिना दहेज के लोगों को बहू नहीं चाहिए, और हमारे पास क्या है? हम तो कह रहे हैं माँ से कि हमको नहीं करनी शादी, पर सुनती कहाँ है, बात आगे चलाती है फिर सोच सोच के खुद भी रोती है और हमको भी रुलाती है। बेटी की शादी हो जाए तो माँ के दिल को तसल्ली हो जाती है बेटा। अरे कोई है? ये नवीन बाबू का घर है ना? जी। आप नवीन बाबू की माता जी है ना? जी। नमस्ते। नमस्ते। हम भोलानाथ सिंह, सुना है आप लोग बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? जी लेकिन बेटे की शादी के पहले बड़ी बेटी को ब्याहना है। हाँ तो कीजिए ना पहले बेटे की शादी, दिक्कत क्या है? दिक्कत दहेज की है, दहेज के लिए पैसे नहीं है इसलिए नहीं हो पा रही। पैसा तो हमसे ले लीजिए। हम दहेज लेके शादी नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करोगे नवीन बाबू, पर कोई और तो कर रहा है ना, और वैसे भी आपकी बहन की शादी तो दहेज के लिए रुकी है ना, और वैसे भी हम दहेज कहाँ दे रहे हैं, कर्जा समझ लीजिए। आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, फिर आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी कर दीजिए। मंजूर है? ऐसे कैसे मंजूर है? देख लीजिए, इससे अच्छा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता आपके लिए नवीन बाबू। बिना दहेज बिना पैसे के आप अपनी बहन की शादी कैसे कर पाओगे? आप हाँ बोल दीजिए, आपकी हाँ आपकी बहन की शादी के लिए रास्ता खोल देंगे। अरे हमारी बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही गुणी है, पहले आप देख लीजिए बाद में हाँ बोल दीजिएगा। चाय। सबने हमें टोका, कह रहे थे कि लड़की को देखने लड़का जाते हैं उसके घर, तो हमने कहा भाई जब लड़की वहीं उसी घर जा रही है तो उसको भी तो अपना होने वाला ससुराल देखना चाहिए ना, तो हम लेकर आ गए। वैसे घर काफी बढ़िया बना है आप लोगों ने बहन जी। जी नवीन के बाबूजी ने बनवाया था, लेकिन उनके बीमारी के बाद घर का खर्च चलाते चलाते ये घर कर्जे में गिरवी चला गया। घर संपत्ति ये तो टूटते बनते रहते हैं बहन जी, फिर से हो जाएंगे। वैसे क्या विचार है आप लोगों का, बहु पसंद है? विचार करने की स्थिति में कहाँ हैं हम लोग भाई साहब, बेटी की शादी के लिए तो पैसा जोड़ नहीं पा रहे तो बेटे की शादी के बारे में कहां से सोचेंगे? एक मिनट,
बहन जी ये लीजिए 5 लाख रुपए। और कितने पैसे दूं मैं आपको आपकी बेटी के दहेज के लिए? नहीं भाई साहब, हम बेटी की शादी दहेज देकर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई बिना दहेज बहू चाहता ही नहीं है, पर हम दहेज लेकर बहू लाएं ये हमें मंजूर नहीं। अरे बहन जी, अब हम समझे होने जा रहे हैं, दो घर एक परिवार होने जा रहा है, अपना समझी तो बताइए और कितना पैसा दूं मैं आपको? पांच लाख तो ये तय रहा। आपकी बिटिया की शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन सबसे पहले नवीन बाबू की शादी होगी निशा से। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नवीन को तो निशा पसंद ही है ना। एक और बात, मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही सहज तरीके से हो, सिर्फ परिवार ये बैंड बाजा बाराती हूँ क्या धूमधड़ाका नहीं चाहिए मुझे। ये रही आपकी निशा। आओ बहू। अरे रुकिए, सबको आने दीजिए। अब और कौन आना बाकी है? दुल्हन। बारी बारी से आएंगे ना। ये आपकी सबसे छोटी बहू निशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी बड़ी बहू आशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी मंजली बहू उषा। जाओ बेटा। सब क्या है माँ? भाई साहब ये सब क्या है? निशा, आशा, उषा हमारे 3 बेटियां और आपकी 3 बहुएं। उन तीनों का पति एक आपका बेटा हमारे दामाद जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारे पूर्वजों के कर्म कांड ही ऐसे हैं कि समझाना बहुत पड़ता है। इन दोनों को देख रही हैं आप, बड़की चुटकी दोनों सगी बहनें हैं हमारी बीबियां। हमारे घरों में लड़का ब्याहता है बहनों को, हमारे बाप दादा उन सबकी एक से ज्यादा बीबियां थी और वो बीबियां सगी बहनें। और हमारे घर की लड़कियां एक साथ ब्याही जाती हैं, सिर्फ एक से, यही हमारी परंपरा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये अपराध है एक से ज्यादा शादी करना। तो क्या परंपरा तोड़ दें? सदियों से चली आ रही जो रीति है उसको हम बदल दें? हम वो सब ना करें जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? नहीं ना, हम करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे। तीन औरतों का पति हमें नहीं बनना। तो ठीक है, मत बनो दूल्हा। फिर तुम्हारी बहन दुल्हन कैसे बनेगी, ये भी सोच लो। कोई जरूरत नहीं है भैया, हमारी शादी हो इसीलिए आप ऐसा शादी बिल्कुल मत करना। सुन लिया, हमारी बहन की शादी आपके शर्त की मोहताज नहीं है। कोई तो होगा जो शादी करेगा हमारी बहन से, जैसे हम कर रहे हैं बिना दहेज लिए।
बेटे का माँ के लिए क्या फर्ज होता है, समझते हो नवीन बाबू? अपनी माँ का जीवन आसान कर दो, उस पर एहसान कर दो, क्योंकि दहेज का आधा पैसा तो तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे बहन के ससुराल वालों को पहले दे चुकी है। क्यों बहन जी, दी है ना? बेटा, तेरे साथ इन तीनों के फेरों के बाद ही शायद तेरी बहन के फेरे भगवान ने लिखे हैं। पंडित जी शुरू कीजिए। रहेंगी कहाँ तीन तीन? तुम एक काम करो, अपने कमरे से अपना सामान ले आके यहाँ हॉल में रख दो और हमारे कमरा भी खाली कर दो। हम दोनों अपना बिछौना यहीं हॉल में बिछा के सो जाएंगे। तुम्हारे कमरे में एक जन रह लेगी, हमारे में एक जन और नवीन के कमरे में एक जन, बस। ठीक है। देखो हम बड़े, इससे पहले सुहागरात हमारी होगी, उसके बाद तुम लोग अपना देख लेना। दीदी, जब शादी एक साथ और एक से हुआ है तो फिर इसमें बड़ा छोटा क्या, तीनों बराबर हुए ना। हम माना कि हम तीनों का पति एक ही है, पर तुम ये मत भूलो कि रिश्ते में हम बड़े, इसलिए सारी चीजें पहले हमारी होगी, सुहागरात भी। हमको मंजूर नहीं है, हम इनसे पूछेंगे, जो बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। क्या बात कर रही हो दीदी, हम उनसे पूछेंगे? हाँ तो कहीं नहीं पूछेंगे, अरे तीन शादी उनका हुआ है तो वही फैसला करेंगे ना। अरे काहे झंझट कर रही हो आप तीनों, सुहागरात पहले किसकी मनानी है ये तय करना है ना।
हम तीनों के नाम की पर्ची डालते हैं, जिसकी पर्ची पहले निकलेगी सुहागरात उसकी पहले होगी, मंजूर है? ठीक है, ये रही पर्ची, तो पहली पर्ची उठाते हैं। निशा भाभी, दूसरी पर्ची उषा भाभी, सो जाओ। सो जाओ। सुनिए, हम कहे ना हम थक गए, कल मनाते सुहागरात। ऐसे कैसे कल मनाएंगे? सुहागरात तो आज मनाते हैं ना। बोले ना हम थक गए हैं, सो जाओ। थक गए? हाँ थक तो गए होंगे आप, दो दो बार जो सुहागरात मना लिए, हमारा क्या? अरे हटो, हम बोले थे ना तुमको, हम बड़े तो पहले हम ही खिलाएंगे, जाओ। हम तो बस चखा रहे हैं, नमक मिर्ची मालूम पड़ेगा। तुम्हारा नमक ना हमेशा ज्यादा होता है, समझी? जाओ दूसरा बनाओ। ये लीजिए पराठा। इतना सब हम खाएंगे कैसे? अरे एक साथ कैसे खा लेंगे भैया, आप रख दो वो खुद ही खा लेंगे। ऐसे कैसे रख दे? हाँ अरे नहीं नहीं शादी हुई है, आज पहला दिन है, पहली सुबह, आपको सबसे पहला कौर तो हम ही खिलाएंगे। मुँह खोलिए। कैसा है? बहू बोल रही है शादी का पहला दिन है, पर इन दोनों को देख के तो कहीं से नहीं लगता, कम से कम अपनी दीदी की तरह पहले दिन साड़ी पहन के तो आ जाती। अरे कौन आने वाला है जिसको दिखाना है, घर में है, जिसमें आराम मिले वही पहन लिया। और वैसे भी बड़की दीदी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और उषा दी तो कुछ भी पहन ले अच्छी लगती है, और हम हैं नए जमाने के, हमें तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं।
और हम हैं हजारीबाग वाले भोलेनाथ सिंह। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जब से आई है बस तीनों के बीच में झगड़ा ही चल रहा है। ये ठीक नहीं किया आपने भाई साहब हमारे साथ। अरे क्या ठीक होता है बहन जी, सब कुछ ठीक होता है। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए, अब कीजिए धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। और अब क्या कह रही थी, हमने आपके साथ ठीक नहीं किया? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। माँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। मयूरी की शादी का पैसा दिए तुम्हारे ससुर, वापस कर देगा। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए यही रास्ता बनाकर दिया है बेटा, तो इसी पर चलो, इसी में समझदारी है। तीन तीन औरतों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर हो सकता है। बस तुम्हें एक व्यवस्था बनानी होगी। आप लोग हैं तीन और हम एक, इसलिए हम एक व्यवस्था बनाएं। आप तीनों खाना बनाएंगे पर अपने अपने टाइम। सुबह का नाश्ता आशा, दोपहर का खाना उषा और रात का खाना निशा। अरे हमें नाश्ता कहाँ दिए? हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सुबह आग जो जल्दी नहीं खुलता है दीदी का, ये बोलो ना। तुम काहे बीच में बोल रही हो, हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे, ठीक है? फिर सुबह का नाश्ता उषा दी, दोपहर का खाना आशा दी, ठीक है? अब रही बात रात की, तो सोम मंगल बुध में आशा उषा और निशा, और उसके बाद बृहस्पति शुक्र और शनि फिर से वापस, और रविवार को हम बस अपने कमरे में आराम करेंगे। मंजूर? नहीं, सोमवार हमें मंजूर है पर बृहस्पति हमें मंजूर नहीं है, उस दिन हमारा व्रत होता है तो वो दिन हमें नहीं चाहिए। तो उस दिन तुम चुपचाप सो जाना ना। कहे हाँ, तुम ले लो बृहस्पति, तुम सो जाना उस दिन। भाई बड़ी, आप बृहस्पति की 100 रुपए दे दीजिए। तो ठीक है, फिर सोमवार भी हम ले लेंगे। कहे हाँ, तुम ले लो ना बृहस्पति, तुम चुपचाप सो जाना। एक मिनट, हम तुमको अपना शुक्रवार दे रहे हैं तो तुम हमको अपना सोमवार दे दो ना, या इसमें भी तुमको बड़की छुटकी करना है? छुटकी को तो सब मंजूर है दीदी, जैसा नवीन जी कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं ना। ठीक है, नवीन बाबू के हिसाब से करते हैं। आज सोमवार है ना, तो आज हमारी बारी, तो आज ये हमारे साथ रहेंगे। तो लिखे तो नाश्ते में तुम्हारा नाम ही थे ना, लेकिन तुम बदल दी, क्योंकि इस घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। हाँ सब हमारे हिसाब से होगा, ये मत बोलो कि हम तुम दोनों से बड़े, समझी तुम? हाँ हाँ, फिर आप व्यवस्था काहे बनाए हैं, दीदी को बनाने दीजिए, इस घर की बड़की बहू जो है। हाँ हम बनाइए व्यवस्था, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? अरे तुम लोगों में जीने का नहीं देते हो। आशा समझ जाओ ना। हम नहीं समझ रहे। हाँ नवीन बाबू, आप नहीं समझ रहे, हमारी शादी को आज दूसरा दिन है, हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारी शादी हो गई है। आपके समझ में आ रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तो नहीं समझ रहे हमारी बात। शादी कैसा हुआ है बहू, तुम देख रही हो ना, व्यवस्था बनाते समय लगता है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। माँ से ऐसे बात मत कीजिए भाभी, तुम इन्हें कह दो कि अपना मुंह बंद रखे, इन्हें नहीं पता ना कर रहा आपकी बात, तो क्यों बीच में बोल रही है? कल की बात खत्म करते हैं ना दीदी, जैसे व्यवस्था बनाया है वैसे ही कर लेते हैं। अरे ऐसा कैसे खत्म करते हैं? अरे दीदी मानो ना मेरी बात, अरे रहने दो ना। जब तक हमारे हिसाब से नहीं होगा ना, हम कोई भी व्यवस्था होने नहीं देंगे, समझ आ रही है हमारी बात? बोलिए, जब तक कल की बात खत्म नहीं होगी ना, हम कोई व्यवस्था होने नहीं देंगे। और तुम उषा, अगर हमारे बीच में बोलोगी ना, तो हम कह रहे हैं हमसे हो जाएगा एक बहुत बड़ा कांड।
बाहर भी देख लिए, बाहर भी नहीं है। दीदी तुम तबीयत खराब कर दी हो उनका, बड़का बड़का कौर खिला के। हम तबीयत खराब किए? तबीयत तुम खराब की हो। वो क्या फोन में ऊट पटंग का देख के कुछ भी बनाती, उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। अच्छा हम खराब किए? हाँ तुम ही तबीयत खराब की हो। सुनो तुम देखियो कि अपने भाई को कहीं बाहर तो नहीं चले गए? रात को बाहर कहाँ जाएंगे भाभी, घर पर ही होंगे, आप ठीक से देख लो। सुनो तुम यहाँ देख लो, हम वहाँ देखते, मुझे तो आवाज देना। हाँ लेकिन निशा कहाँ है? वो भी उनको ही ढूंढ रही है, जाओ अभी। नवीन प्लीज, प्लीज प्लीज किसी को बताना मत, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज किसी को मत बताना, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे, तब घुटता है हमारा। हम तो तुमसे शादी करने गए थे ना, ये सब गलत है, सब गलत है ये। बाहर गए नहीं, घर में है नहीं, मतलब छुप रहे हमसे, लेकिन क्यों समझ ही नहीं आ रहा, कहाँ चले गए? आने दे, हम बताएंगे अच्छे से। कहाँ है, देखा क्या तुमने? हाँ नहीं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं दिखे वो। कहाँ थे आप? हाँ पता हम कितने बेचैन हो गए थे। वो हमारी थोड़ी तबीयत, हम सब ठीक कर देंगे बाबूजी, ठीक किया ना आपका घर का समस्या, पर आप ऐसे भागे भागे रहेंगे हमसे तो कैसे होगा आपका बहन का शादी? समझ रहे हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? चलो हम बनाए हैं लिट्टी चोखा। दोनों एकदम फीका। नाश्ता तो हम बनाए इनके लिए, घुघरी। इतना सब काहे बनाई हो तुम लोग? थोड़ा हाथ रोक कर बहू रानियों, घर में तंगी चल रही है। माँ जी अब क्या खाने पीने में भी रोक टोक करेंगी आप? और अब तंगी नहीं रहेगा माँ जी, बाबूजी है ना, घर के खाने पीने का खर्चा भी तुम्हारे बाबूजी से लेंगे का? अच्छा बेटी की शादी कराने तो हमारे बाबूजी से बराबर पैसे ली थी। अरे मदद लिए थे उनसे, उसके बदले तुम तीनों को ब्याह कर लाए हैं ना यहाँ पर। अब जब ब्याह करके ले आए ना तो हमको सुकून से खाने पीने दीजिए, आप रोक टोक मत लगाइए। आप ना पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए और घर अब से हम संभालेंगे, समझी? हाँ
हम ना आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं। वैसे मान गए, तुम्हारा प्लान कमाल का था। आप हमें पसंद करते? बहुत पसंद करते, पर ऐसी बंटवारे वाली जिंदगी नहीं जी पाएंगे। मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे हमारे साथ। और कैसे? मैं तो समझ गया आपसे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिर्गी का दौरा। मैं तो अच्छा नाटक कर लेती हूँ नवीन बाबू, आप करते रहो, अच्छे से कर रहे हो। वैसे हम और भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं, तो करते रहो। अच्छा लगता है मैं तुम्हारे साथ, पर ये सब कब तक चलेगा? दोनों दीदियों में अगर किसी ने देख लिया ना तो पापा के घर पे भेज देंगे मुझे। बस मयूरी दी की शादी तक, एक बार मयूरी दी की शादी हो जाए ना उसके बाद हम खुद जाके तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे कि हम सिर्फ निशा के साथ रहेंगे। ले जाओ अपनी दो बेटियां। हाँ चुटकी, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं ना? क्या है ये सब? क्या है दीदी, उल्टी हो रहा है, पेट में अजीब सा लग रहा है और मुंह भी खट्टा खट्टा हो रहा है। बदहजमी जैसा? हाँ हाँ शायद। देख रही हो दीदी, मैडम जी का कपड़ा श्रृंगार अलग ही कहानी बता रहा है। और अभी देखी हो इसको मुंह लटका है, और खाना भी आजकल अपने कमरे में ले जाकर अलग से खाती है। काहे? काहे तो अब देखना पड़ेगा, जब खुद देखेंगे ना तब पता चलेगा कि मामला क्या है।
हम प्रेग्नेंट हैं। क्या हम बोले थे ना सावधानी रखने के लिए? हम सावधानी तो रखे थे, हो गया तो क्या कर सकते हैं? संभालना पड़ेगा। मयूरी दी की शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शादी के बाद सवार का। हम भी तो किए ना नाटक मिर्गी की बीमारी का। अब तुम संभालो कैसे भी। सुन रही हो दीदी, निशा ना सच्ची में प्रेग्नेंट है। और ये सब हुआ कैसे? वो तो बीमार था ना। फिल्म देखा तुम? हाँ, क्या बोला वो? बीमारी का नाटक किया है, इतना बड़ा खेल खेला है हमारे साथ। हम बता रहे हैं ये सब ना निशा का ही गलती है। नहीं, इसमें निशा की कोई गलती नहीं है। ये आदमी हमारी निशा को बहलाया है। हम तीनों बहनों को तोड़ने का कोशिश किया, क्या करें हम लोग? इस शादी से निजात, अब यही एक रास्ता है। माँ, वो हम पापा बनने वाले हैं। या? मतलब हम दादी बनने वाले हैं? हाँ। दिल खुश कर दी हमारा बेटा। अरे ये तो कितनी खुशी की बात है, मिठाई मंगाओ, सबका मुंह मीठा करो। माँ अभी अभी किसी को बताना नहीं है। निशा ने प्लान बनाया, जैसे ही मयूरी दीदी की शादी हो जाएगी उसके बाद हम उस उषा और आशा को उसके बाबूजी के घर वापस भेज देंगे। चुप चुप जियो बेटा, तुम हमारे बेटे का ना जीवन बचा ली। अरे बहन जी, पंचमी आप लोग अंदर बैठे। नमस्ते। नमस्ते। चलिए पतंग उड़ाते हैं, आपका दिन बहुत शुभ होता है। आप लोग पतंग उड़ा लेते हैं? अरे क्यों नहीं, चलिए ना आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए, आइए आइए बहन, आइए बहन जी, आइए बहन, आइए बहन जी। अरे तेज कीजिए वरना पतंग कट जाएगी। नवीन बाबू काटो उसको। चलिए बहन जी अंदर जाते हैं, बच्चों उड़ान दीजिए। हमारे दादा जी नहीं रहे। नहीं,
भैया को। मारना पड़ेगा, जो हमारे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम प्रेग्नेंट हैं। हम भी तो किए ना नाटक मिर्गी की बीमारी का। सुन रही हो दीदी, क्या करें हम लोग इस शादी से निजात? अब यही एक रास्ता है। इस आदमी से हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो भाई इसके नाम का सिंदूर लगा के घूमेंगे? हाँ तुम्हें बताओ, इससे बेहतर तो ये है अब इसका खेल खत्म। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।